1 लाख का फर्नीचर उसने इंट्रोड्यूस किया अपने पास से, उसके पास फर्नीचर था। 10 लाख का उसने बैंक से लोन लिया है, एंड दिस 10 लाख इज लाइबिलिटीज फॉर हिम। ये जो 10 लाख का बैंक लोन है ये उसके लिए लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा विल डिस्कस इन कमिंग लेक्चर, बट ये जो 10 लाख है ये उसने बैंक से बोरो किया है, एंड देट विल बी रीपेबल, देट विल बी रिटर्नेबल टू द बैंक। ये 10 लाख की अमाउंट जेड ने अपने पास से इंट्रोड्यूस नहीं की है, ये 10 लाख रिटर्नेबल है, रिटर्न करना होगा, रीपे करना होगा बैंक को। तो कैपिटल का जो मीनिंग है अमाउंट और वैल्यू ऑफ कैश एसेट्स और गुड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर फ्रॉम ओन सोर्स, अपने पास से, अपने सोर्सेस से उसने जो भी इंट्रोड्यूस किया है उस सब का टोटल कैपिटल कहलाएगा। तो यहां पर जो कैपिटल का वैल्यू होगा 3 लाख इन फॉर्म ऑफ कैश, 1 लाख इन फॉर्म ऑफ फर्नीचर और एसेट्स, सो 4 लाख। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल। ओके, आई होप आपको कैपिटल का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कैपिटल का मीनिंग क्या होगा? कैपिटल मींस द अमाउंट और फंड्स इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस। ओके, एंड दैट अमाउंट, दैट कैश एसेट्स, सॉरी कैपिटल मे बी इन फॉर्म ऑफ एसेट्स, कैश और गुड्स। गुड्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, एसेट्स का मीनिंग क्या होगा, ये हमारे कमिंग टर्म्स होंगे जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। कैपिटल का जो मीनिंग नेम है, कैपिटल के कुछ ऑल्टरनेटिव नेम भी हैं। कैपिटल को हम जो और नेम्स देते हैं, कैपिटल इसको हम नेट वर्थ भी बोलेंगे, नेट वर्थ। इसको ओनर्स इक्विटी भी बोला जा सकता है, नेट वर्थ, ओनर्स इक्विटी। क्योंकि अभी आपका जस्ट स्टार्टिंग है सब्जेक्ट को, जैसे जैसे आप डिटेल में करेंगे चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। नेटवर्थ का मीनिंग क्या होता है, नेटवर्थ मींस नेट एसेट्स भी हम इसको बोल सकते हैं, डिस्कस करेंगे हम लोग। ओनर्स इक्विटी, यहाँ पे एक आइडिया आपको बन रहा है, ओनर्स इक्विटी मींस द पार्ट ऑफ एसेट्स Which has invested by owner। डिटेल में हम लोग करेंगे इनको। तो ये, और कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए एक इक्वेशन बनती है, कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ओके, तो ये इक्वेशन, चूंकि अभी हमारा न्यूमेरिकल पार्ट शुरू नहीं हुआ है, हम लोग इन सब टर्म्स को करने के बाद इस इक्वेशन को डिस्कस भी करेंगे कि कैपिटल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स हमने लिए भी हैं, मींस एक बिजनेस के पास जो भी टोटल एसेट्स होंगे, जो भी टोटल एसेट्स हैं, उन एसेट्स में से अगर हम लोग आउटसाइड लायबिलिटीज को लेस कर दें तो जो बैलेंस आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगी,
that will be known as capital. Okay, जैसे अभी यहाँ पे हमने एक example लिया था, Mrs. Z commenced business by introducing cash of rupee 3 lakh, furniture of rupee 1 lakh and bank loan of rupee 10 lakh. उस business के पास जो total assets होंगे 3 lakh in form of cash, 1 lakh in form of furniture and 10 lakh in form of bank balance. Bank balance means, चूंकि bank loan लिया है, जब bank से loan लेते हैं तो bank हमको cash नहीं देता है, हमको bank में एक account open करना होता है, bank से जितना भी loan लिया है bank उतना money हमारे उस bank account में transfer कर देता है and according to our need we can withdraw from bank. तो bank balance, बैंक से 10 लाख का लोन लिया तो बैंक में हमारा 10 लाख रुपए डिपॉजिट है, बैंक बैलेंस कहलाएगा वो. तो हमारे पास टोटल एसेट्स, उस बिजनेस के पास जो टोटल एसेट्स है 3 प्लस 1 लाख प्लस 10 लाख 14 लाख. अब यहां पर अगर इस इक्वेशन को हम लोग यूज करें और कैपिटल को फाइंड आउट करना चाहें तो वी हैव टोटल एसेट्स ऑफ रुपए 14 लाख एंड out of 14 lakh 10 lakh is payable to outsiders, means other than owner. Bank से मैंने भी बताया कि loan है हमारे लिए, तो 10 lakh bank loan को हमने less किया 10 lakh and balancing figure will be 4 lakh and this is the capital. ओके, यहां पे टर्म एक आ रहा है एसेट्स, एक टर्म आया लायबिलिटीज, ये दोनों टर्म्स हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं. आई होप कैपिटल को मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है, आपको समझ में आया होगा. तो कैपिटल का एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर मीनिंग लेकर चले तो कैपिटल मींस द फंड्स और मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन बिजनेस. बिजनेस का ओनर बिजनेस में जितना भी मनी इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल कहलाता है. अगर बिजनेस के ओनर ने कैश के साथ साथ कुछ एसेट्स भी इन फॉर्म ऑफ बिल्डिंग, इन फॉर्म ऑफ फर्नीचर और इन फॉर्म ऑफ सम अदर एसेट्स भी इन्वेस्ट किए हैं, लगाए हैं, तो उन सब का जो टोटल होगा दैट टोटल विल बी कॉल्ड कैपिटल. ओके, गॉट इट, थैंक यू.